गुड मॉर्निंग एवरी वन गाइज, आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं काफ़ी दिनों तो ब्लॉग नहीं कर रही. यू नो एहो जी कंडीशन च ना मन नहीं करता यार, बंदा बस कमरे च पिया वा एंड नहीं हिम्मजी होंगी ब्लॉग करन दी. तो अज असी काफ़ी दिनों बाद घरों निकले हाँ, वह भी मेरा मैं सवेर का ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैनू अज भी 100% नहीं कि अं जावे, क्योंकि अं पिछले 3 दिनों तो आई गेस मैं 4 दिन पहला जी वीडियो पाई सी उहदे विच मैंशन किया टेस्ट करा जाना, बट फिर भी कुछ ना कुछ करके साडा टेस्ट कराना रह जाता. तो अज ही फाइनली टेस्ट करा जा रहे हैं दोवें जाने, होपफुली नैगेटिव आए. और मॉम हुण साडे कोल आ जा रहे, मॉम नूं साडे तों कुछ नहीं हो रहा. तो फिर मतलब अं पर अपना वहम करना चाहते क्योंकि कल साड़ी फैमिली एक फंक्शन से असं उत्थे भी नहीं जा पाए क्योंकि साडा मेन रीजन है सारे बच्चे छोटे आ, अं सिर्फ व्याह हाँ, साडे सारे कजनस छोटे आ, तो अं नहीं चाहते साड़ी वजह ना किसी एक बंदे नूं भी होए, एक बच्चे नूं भी होए, वो फिर ना बंदा गिल्ट च रह जांदा है. सो तां करके असं अपना वहम कढ़न चले हाँ बस, कि साडा सानूं बाद च गिल्ट ना रहे किसी चीज़ का कि कोई बच्चा बीमार होया साड़ी वजह ना. तो हुण असीं जा रहे हाँ एंड पूरा सूट साट पा के, क्योंकि इस तों बाद अगर होपफुली नैगेटिव ही आए, नैगेटिव आने तो बाद साढ़े होर भी प्लैनस ने नाल नाल शेयर करते हैं. तो यार देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होए फिर ही घरों निकलो, सानू भी सारे जने कह रहे थे टिकते नहीं, पर चलो अं दस नहीं सकते, साडा बहुत इंपॉर्टेंट काम अं ता ही घरों निकलते हैं. हले भी 2-3 दिन बाद भी साढ़े बहुत इंपॉर्टेंट काम अं फिर घरों निकलना वा, बट प्लीज़ अगर घरों निकलते हो बहुत इंपॉर्टेंट आ तो प्रीकॉशनस लैके निकलियो. अं ग्लव्स हले पाने बैक सीट पर रखे हुए कि एकदम ही ना बहुत पाउडरी जहा हो जाता वा, तो प्लीज़ अपने प्रीकॉशनस लैके घरों निकलियो क्योंकि बहुत दिक्कत आती है, स्पेशली क्वारंटीन करना सब तो औखा है, राती कई बार सह लैन च बहुत दिक्कत आती है. सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रख के घरों निकलियो, इदा घरों ना निकलियो. एंड मेरे तो ज़्यादा इन्हों की बुरी हालत रही, हूँ तो ठीक रहो. हाँ बस अं सीरीयसली एक रील आनू कॉपी करना पूरा कि साढ़ा अगर जिदा ही नैगेटिव की सूँ रिपोर्ट मिली अं उ डांस करना है एंड रिकॉर्ड करना है एंड होपफुली असी करिए फिर असी शेयर करा. सो हूँ असी जा रहे हैं हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल जा रहे हैं? सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर, जिते जसमीत की ट्रेनिंग हुई सी. मैं अपना कैमरा अंदर रखता है एंड हूँ मैं फोन तो रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि अंदर पता नहीं की सिचुएशन है, कैमरा उत्थे फिर बाद चुनु किदा सैनिटाइज करती रहूँगी. दैट्स व्हाई ए करो ना वार्ड, उस वार्ड से टेस्ट हो रहा सी जिदी रिपोर्ट आनी 3 दिन च, की कहंदे हो आरटीपीसीआर ते इत्थे हो रहा है जो 15वीं की रैपिड टेस्ट जो जिदी रिपोर्ट 25 एंड नहीं फिर भी उन्होंने लिखा हुआ 25-30 मिनट्स यदि 25-30 मिनट्स मिल जाएगी, बट यह स्टार्ट होना है हले भी हाफ एन आवर बाद, मतलब एग्जैक्ट 2 बजे. तो साड़ी धुप से हालत खराब हो गई इसलिए अभी फिर कार से जा रहे हैं, देखते कितने छां छू मिलती तो इतने लाने हैं. और स्पेशली यार ग्लव इन्ना ज़्यादा स्वेट पक चुकी है, बहुत इरीटेशन हो गई, गर्मी नेक्स्ट लेवल की है. ओ फाइनली छां वाली जगह मिली. कैसी जगह है ये? है ना बहुत धुप सी उत्थे टेस्ट होना है कितने उस जगह पे. कितना टाइम कह रहे हैं हले भी कितना टाइम लगना हले भी? 2 बजे गया से हाले मेरा नया स्टाफ आया. ओके She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. जसवीत की रिजल्ट आया नेगेटिव. इट्स नेगेटिव. मेरी हार्ट वेट फास्ट हो गई चिपक चिपक के खड़े होंगे जिन्होंने नहीं होना भी हो जाएगा, इतने स्टूपिड लोग है ना, मतलब छोड़ो की कहां मैं. But we are so happy. Back to normal life. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਟ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ. ਯਾਰ I'm so happy. To make you cry, you were right. Just leave me, I'm not gonna put up a fight. And every time
ਸੋ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਲੈ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਵੰਡਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਸਮੀਤ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਪਲੱਸ ਮੇਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬੇਬੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਟਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬਟ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਈ ਸੀ ਦੋ ਆਈ ਗੈਸ ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਸੋ ਵੀ ਆ ਵੈਰੀ 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 ਹੈਪੀ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਭਾਜੀ ਵੰਡਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੰਭਲ ਰਹੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਂਗਾ ਚਲੇ ਚੌਥੇ ਮਤਲਬ ਚਾਚੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਵਾਈ ਸੋ ਸੀਰੀਅਸ ਦਾਦੀ ਹਾਏ ਕਹਿ ਦੋ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਈਟ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਆਈ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੰਝਾ ਆ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਕੌਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਧਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭਾਈ ਫੜ ਲੈ ਆ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵਿਖੇਗਾ ਚਲੋ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ ਬਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਤਾ ਹੋਣਗਾ 10 15 ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲਏ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਲੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਪਾਣੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਆ ਕੋ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਸ ਇੰਜ ਕਰੋ ਲਿਆ ਦਾਦੀ ਹੱਥ ਫੜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਭੰਦਾ ਤੂੰ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਲੇਗਾ ਹਾਂ ਆਏ ਛੜ ਬੜਾਈ ਓਕੇ ਡਨ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੋਸ਼ੋ ਵਾਓ ਕਿਹਦੀ ਸੋਨੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਬਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰੇ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਭਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਮਗਰੇ ਆ ਕੇ ਜਸਮੀਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਵੰਡ ਕੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਘਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਸਮੀਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ
काफ़ी चंगा लग रहा बैक टू नॉर्मल लाइफ। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया जो पिछले क्लिप शेयर किए और सारे घर ने मतलब अं गए ऑलमोस्ट पांच घर से जो साढ़े क्लोज वन है इतने तो असं पंजे घर डब्बे दे के आए तो काफ़ी चंगा लगे यार। मतलब मैं ज़्यादा क्लिप नहीं शेयर की उन्होंने बच्चों की कुछ 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 पल शेयर किए आ अच्छा लग रहा है बैक टू नॉर्मल लाइफ अच्छे आके। तो हूँ मैं सोच रही हूँ कल जाके थोड़ा जहाँ अपने वाला की थोड़ी शेप शूप सही करा के मतलब अनईवन जो है कुछ चंगी तरह कटे नहीं आ। आई नो कई ने कमेंट भी किया मैम अनईवन आ मैंने खुद अनईवन लग रही थी पर मैं सोचा सी इतने आके करावा जो तो मैं अपना सब कुछ स्टाइलिंग वगैरह करानी हाँ तो कल वो करावगी। और हूँ मैं करांगी थोड़ी जी एडिटिंग एंड लोगों का मिलती हूँ हूँ मैं अगले व्लॉग च। टिल दैन टेक केयर लव यू एंड प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखियो अं जो फेस किया तो ही ना करो। Oh guys, bye bye.